जनपद शाहजहाँपुर कलान थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत बिचोला के मजरा बहेलिया नगला में बुधवार सुबह 10 बजे एक झोपड़ी में गैस सिलेंडर में हो रहे रिसाव के चलते आग लग गई। कुछ लोग सुबह बाहर से आए हुए थे, उनके लिए चाय बनाने जा रहे 65 वर्षीय ओम प्रकाश पुत्र छत्रपाल व 25 वर्षीय बेटा सतीश झोपड़ी के अंदर चाय बना रहे थे। तभी अचानक गैस सिलेंडर के रिसाव होने पर आग ने पूरी तरह से झोपड़ी को अपनी चपेट में ले लिया। आग लगते ही ग्रामीणों में भगदड़ मच गई। आग से घर में रखे कपड़े, गद्दे, रजाई, एक झोपड़ी में रखा भूसा, 5 क्विंटल गेहूँ जलकर राख हो गए। लोग कुछ समझ पाते इससे पहले तेज धुआं घर में फैल गया। इसके बाद आग की लपटें उठने लगी। शोर मचाने पर ग्रामीण मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। झोपड़ी के अंदर बैठे भूरे निवासी बहेलिया नगदा कुलदीप पुत्र अंतराम पूरी तरह से आग में गिर गए और बुरी तरह से झुलस गए, जबकि ओम प्रकाश हल्के झुलस गए। ओम प्रकाश की पत्नी उर्मिला व बहू लक्ष्मी डावरा हरदोई मेहमानी में गए हुए थे। आनंद फानंद में डायल 112 अग्निशमन विभाग को सूचना दी गई। सूचना पर थाना पुलिस व फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंच गई, जब घायलों को नजदीकी सीएससी कलान भर्ती कराया गया, जहां हालत नाजुक होते डॉक्टरों ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया। आगे चाय बना दो बाजाना कैसे आई वहाँ पौड़ी आई गेहूँ जरिए 10-12 क्विंटल गेहूँ पड़े थे तो लगे ही है 4-5 जरिया रजाई गद्दा चदरा कपड़ा जो कुछ हो सब जरिया है सारी गृहस्थी जरिए भूसा तो एक पत्ता बहुत जरियो मशीन से मशीन बजाई गई। हाँ तो बजाई फिर मशीन।